नमस्कार, नेशन वन के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लीली। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर विकास भवन सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया। आपको बता दें कि 5 मई तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में ग्राम समाज अभियान की भी शुरुआत की गई। इस संगोष्ठी में SC ST छात्राओं के विवाह के लिए 50,000 रूपए के चेक वितरित किए गए। इस दौरान विकास भवन परिसर में तमाम सरकारी विभागों द्वारा आम जनता को योजनाओं की जानकारी देने के लिए अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए। हालांकि इन स्टॉलों में विभागों की जानकारी लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा, जिसके वजह से इन स्टॉलों पर सन्नाटा छाया रहा। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। आज हमारे ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत भी की गई है। तो जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम होने हैं, आज से शुरुआत करके 5 मई तक जो कार्यक्रम होने हैं, उनका शुभारंभ भी किया गया है। कुछ बच्चियां जिनको कि जो हमारे SC ST वर्ग की होती हैं, उनको जो 50,000 उनकी शादी पे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, उनका भी बच्चियों को दिया गया है। उधम सिंह नगर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक गरीब परिवार पिछले 30 साल से प्रशासन की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए था। अवैध तरीके से घर पर कब्जा जमाए इस परिवार पर अचानक 30 साल बाद प्रशासन की नजर पड़ी और तहसीलदार द्वारा परिवार को घर से बेघर कर दिया गया। आलम यह है कि परिवार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया है। लोगों का घर तहसीलदार तहसील से तोड़ के दिया। 2-4 हमारे पापा का एक हाथ नहीं है, वो अभी हमारे घर तोड़ने के बाद काम पे गए हैं। पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो रहा। तहसीलदार ने तोड़ दिया, बोले सरकारी जगह में नहीं, दो लोग के तोड़े और दोनों नहीं तोड़े मेरे चाचा के पास। कांकेर से देवजीत की रिपोर्ट। उधर रुड़की के RSS संचालित आनंद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में अभिभावकों ने फीस वृद्धि को लेकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और खूब हंगामा किया। वहीं अभिभावकों का ये कहना है कि NCERT की किताबें लागू करने से स्कूलों का कमीशन खत्म हो गया है, जिसकी भरपाई स्कूल प्रबंधन बच्चों की फीस बढ़ाकर कर रहा है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की बात भी कही। भैया, हम सरस्वती स्कूल से स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे बच्चों की फीस डबल कर दी गई है। एनुअल चार्ज जो सरकार ने बंद कर दिया गया है वो इन्होंने डबल कर दिया है और उस हम मांगे कर रहे हैं कि हमारी एनुअल चार्ज बंद कर दिया जाए, तो वो ये सुनने को तैयार नहीं है। वार्षिक शुल्क वृद्धि को लेकर एक अभिभावकों का समूह आज प्रातःकाल विद्यालय में आया था, जिनसे विस्तृत वार्ता फीस वृद्धि के संदर्भ में की गई है। और फीस की जो बढ़ोतरी है वो प्रबंध समिति के अनुमोदन के पश्चात एक फीस बढ़ोतरी की गई है और वर्ष भर की फीस में 15% की लगभग बढ़ोतरी है। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रुकेंगे यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglik.com। शादी हो गए मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1,00,000 से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code nation1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के फजलका में आबोहर की मंडी में ठेकेदार द्वारा चूना फेंकने से किसानों की फसलों को लाखों का नुकसान हुआ है। मंडी में आपको बता दें कि जगह जगह भारी मात्रा में चूना फैलने से किसानों को अपनी फसलों को मंडी में उतारने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। जड़ा ये पानी है तो घंटा आता सवेरे घंटा शाम। कमेटी वाले कदे तो कैंटर पा जाते, कदे पाँगे नहीं, इतने मर जाते लोग। तो है कोई इतने शिकायत नहीं सुनता। पिछली बारी SDM आया सीगा, धरना भी लाया सी, तो इतने धूड़ बड़ी उड़ती है। जो रेता ना कोई छिड़का करता, ना कोई पीने पानी दिता, तो वह कह के उठ गया सीगा। कल तो बई 2 कैंटर भेजा करो, तीजे दिनों कदे, दूजे दिनों कदे अद्धा कदे पौना,
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਝਿਪਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਸੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ बढ़ते अगली खबर की ओर खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस से एसडीएम की गाड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है। बहरहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करके आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहीं अब आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है वो एसडीएम रांची सर शिशपुरा सर की गाड़ी लेकर और कलेक्ट्रेट परिसर से भाग गया है। सूचना पर हम अपनी टीम के साथ में बीट पेट्रोलिंग मोबाइल्स के साथ में राउंड पे थे तो पीछा किया। कंट्रोल रूम में कैमरे से भी हमें समय समय पे सूचना मिलती रही तो हमने उसके हिसाब से और पीछा किया तो वह गाड़ी हमें रामपुर चौकी के सामने ही मिली जिसे हमने घेराबंदी कर जान जोखिम में डाली। जबलपुर से देवजीत देव की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, रुके यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglik.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1,00,000 से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code NATION1. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यूपी डीजीपी क्राइम ब्रांच की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंचे। वहीं डीजीपी ने जिले के अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की और साथ ही 26 पुलिस कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। वहीं फतेहपुर में हुई पुलिसकर्मी की हत्या में सख्त कार्रवाई की बात कही और उसी दौरान उन्नाव कांड पर पूछे गए सवाल से डीजीपी बचते नजर आए और झल्ला कर प्रेस वार्ता से निकल गए। पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस कभी बेबस नहीं रही है। जब हमारे संज्ञान में आया है हमने तत्काल कार्रवाई की है। एसआईटी का गठन किया हमने, अपने अधिकारी को वहाँ भेजा, हमने मुकदमा दर्ज कराया और हमने सीबीआई को हैंडओवर इसलिए किया कि कोई पीड़िता भी चाहती थी कि इस केस को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए और सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी का मान रखते हुए कि कोई पीड़िता के ख्वाहिश को और हम लोगों ने सीबीआई को हैंडओवर किया और सीबीआई ने तत्काल इसको केस को टेकओवर किया। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में मित्र पुलिस का नकाब ओढ़े कानपुर पुलिस लोगों के प्रति कितनी संवेदनशील है उसकी वानगी कानपुर में देखने को मिली। जहां कानपुर के खपरा मोहल्ला इलाके में एक विवाह समारोह में अपने बेटे के साथ जा रही 55 वर्षीय महिला को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित बेटे को ही थाने उठा लाई जिससे आक्रोशित लोगों ने थाने में जमकर हंगामा काटा। वहीं घंटों तक चलते रहे हाई वोल्टेज ड्रामे को देखते हुए पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर किया। इंसाफ नहीं मिला तो क्या करेंगे बताइए। नो एंट्री के टाइम में तो नहीं है लेकिन सर अवैध वसूली, टाइम तो 12 बज गया, वसूली के चक्कर में बाकी है। वसूली के चक्कर में जो है ट्रक बाइक से जो है पुलिस वाले ट्रक को दौड़ाया है और ट्रक ने जो है स्पेयर मार दिया टक्कर। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? सर इसी जगह पे आ गए। घटना ये हुई है, वसूली के चक्कर में शादी में जा रही थी, हलीम कॉलेज में फंक्शन था वहाँ पे जा रही थी, वसूली के चक्कर में ट्रक वाला ले के वो ट्रक भागा, उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। और इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ जैसे हाईवे पे ट्रक चलते उस तरीके, आप कंडीशन देखिए क्या हुई मिट्टी की। उसके बाद पुलिस की गुंडागर्दी ये, पुलिस ऊपर से हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है और जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका एक छोटे बेटे को जो लापता उसको उठा के पुलिस ले गई है। महिला की मौत हो गई, ना सर है ना पैर है ना हाथ है, हैं? अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, अभी सिर्फ लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर रही पुलिस। अभी ये आसमान नाम की एक बुजुर्ग महिला थी करीब 50 वर्ष से, वो मीरपुर की रहने वाली हैं, यहाँ थाना कपरा महल के, तो इनके साथ एक ट्रक उधर जा रहा था, अपोजिट साइड से वो आ रही थी तो ट्रक से उनके कुचलकर वहाँ मौके पर ही वो दर्दनाक मृत्यु हो गई है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जो लोग बॉडी को उठने नहीं दे रहे थे लेकिन कोशिश किया गया, विधायक जी भी आ गए थे, समझाया गया उन लोगों को
मान गए हैं, वो लोग तहरीर दे रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी, पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से आरिफ मोहम्मद की रिपोर्ट। और बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।